स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू यू इन दिव्य क्लासेस मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज क्लास टेंथ इंग्लिश लेसन टू मैं अपलोड करने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स लेसन टू जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड ए लेटर टू गॉड ईश्वर को एक पत्र जीएल फ्रेंड्स के द्वारा लिखा गया है इसमें विद्यार्थियों लेंचो नाम का एक किसान रहता है जो बहुत ही कठिन परिश्रमी रहता है बहुत परिश्रम करता रहता है बैलों की तरह वह खेतों में दिन रात काम करता रहता है उसी के बारे में यहां पर बताया गया राइटर ने उसी के बारे में लिखा है आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं मित्रों द हाउस द वनली वन इन द इंटायर वैली द हाउस घर द वनली वन जो अकेला इन द इंटायर इंटायर माने संपूर्ण वैली माने घाटी द हाउस द वनली वन इन द इंटायर वैली घर जो पूरी घाटी में अकेला साइटन स्थित था द क्रेस्ट ऑफ लोहिल लोहिल माने निचली पहाड़ी क्रेस्ट माने की ऊंची चोटी क्रिस्ट ऊंची चोटी तो पूरा देखिएगा यहां बताया जा रहा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटार वैली पूरे घाटी में एक अकेला घर जो निचली पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था फ्रॉम हिज हाइट जिसकी ऊंचाई से वन सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कार्न जिसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसकी ऊंचाई से नदियां दिखती थी एंड और द फील्ड ऑफ राइप कार्न और पके हुए फसल देखे जा सकती थी यहाँ पर लेखक बता रहा है कि एक ऐसा घर था जो पूरी घाटी में निचली पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर अकेला स्थित था जिसकी ऊंचाई से अगर कोई व्यक्ति देखे तो नीचे की नदियां और पके हुए जो फसल थी वो सारे फसल नदियां ये सब दिखती थी या कोई भी देख सकता था डॉटेड विद द फ्लावर जो पुष्पों से गुथे हुए थे डेट ऑलवेज प्रोमिजेस ए गुड हार्वेस्ट जो हमेशा एक अच्छा फसल होने का दावा करते थे वादा करते थे यानी उस ऊंचाई से जहाँ पर जो घर था चोटी पर उस ऊँचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को तालाबों को झीलों को नीचे के जो फसल थे सब पुष्पों से गुथे हुए थे उन सारी चीज़ों को कोई भी व्यक्ति उस ऊंचाई से देख सकता था वो इतनी ऊंचाई पर घर स्थित था और वे फसल जो फसल हमेशा एक अच्छे फसल होने का वादा करती थी थिंग सिर्फ वस्तु द अर्थ नीडेड जो पृथ्वी को उस समय आवश्यक थी यानी कि खेतों में केवल एक चीजों की आवश्यकता थी नीडेड माने आवश्यकता तो बता जाए ओनली थिंग केवल वह वस्तु द अर्थ नीडेड जो उस समय जमीन को आवश्यक थी वो क्या थी वाज़ डाउन फोर डाँन फोर माने होता है वर्षा क्या आवश्यक थी वाज़ फोर? या तो मुसलाधार वर्षा हो जाए और या तो एटलीस्ट कम से कम ए सावर एक हल्की फुल्की बौछारी हो जाए अर्थात यहां पर लेखक बता रहा है कि उस समय जमीन को यानी उस फसलों को सिर्फ आवश्यकता थी तो एक चीजों की वह क्या थी या तो बढ़िया से मूसलाधार वर्षा हो जाए अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कम से कम हल्की फुल्की बारिश हो जाए छोटी मोटी बौछारें पड़ जाए खेतों में थ्रो आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह लेंचो जो लेंचो नाम का किसान था हु जो जानता था हिज फील्ड इंटीमेटली इंटीमेटली माने घनिष्ठता से तो थ्रो आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह हु न्यू जो जानता था हिज फील्ड इंटीमेटली डन हैथिंग वह घनिष्ठता से अपने खेतों में कुछ भी नहीं किया था इल्ज बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट वह आकाश में उत्तर पूर्व की ओर देखने के सिवाय यानी पूरे सुबह लिंचो एक भी काम नहीं किया जो अपनी खेतों को घनिष्ठता पूर्वक जानता था वह एक भी कार्य नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व की ओर वह बादलों को देख रहा था यानी उसे एहसास हो रहा था कि बारिश कम से कम हो जाए क्योंकि उस समय पृथ्वी को जमीन को सिर्फ बारिश की आवश्यकता थी नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन अब नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन वह औरत से कह रहा है अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब सचमुच जो है बारिश होने की उम्मीद है या सचमुच हम लोगों के यहां बरसा होगी द वो उसकी पत्नी जो स्त्री वो कहती है सॉरी द वो मैन उसकी पत्नी प्रिपेयरिंग सपर जो भोजन बना रही थी उसकी जो पत्नी है वह भोजन बना रही थी रिप्लाइड उत्तर देती है यस हाँ गॉड बिलिंग हाँ भगवान की अगर मर्जी होगी तो यानी वह कह रही है कि हाँ अगर भगवान ने चाहा तो जरूर हम लोगों के यहां वारिस होगी या वर्षा हम लोग वर्षा का आनंद जरूर लेंगे द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड जो बड़े लड़के थे ओल्डर बॉयज यानी कि जो बड़े लड़के थे वर वर्किंग इन द फील्ड वे खेतों में कार्य कर रहे थे वाइल जबकि द स्मॉलर वंस जबकि जो छोटे लड़के थे वर प्लेइंग नियर द हाउस वह घर के पास में खेल रहे थे यानी बताया जा रहा है जो बड़े लड़के थे वो लोग खेतों में काम कर रहे थे जबकि जो छोटे लड़के थे वे बगल में घर के बगल में खेल रहे थे अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू दे माल कम फॉर डिनर तब तक जब तक कि वह औरत उन लोगों को डिनर के लिए बुला नहीं लेती थी यानी बड़े लड़के तब तक, तक खेतों में काम करते थे और छोटे लड़के तब तक, तक खेलते रहते थे जब तक जो औरत थी जो खाना पका रही थी लंचू की पत्नी जब तक उन लोगों को भोजन के लिए बुला नहीं लेती थी इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट यह भोजन का ही समय था कि जस्ट जैसा एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी की थी प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी करना यह भोजन का समय था कि जैसा लिंचो ने भविष्यवाणी की थी बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बूंदे बड़ी बूंदे रैन माने वर्षा की वर्षा की बड़ी बूंदे बिगैन टू फॉल गिरना शुरू हो गई यानी कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे पड़ने लगी इन द नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर यानी उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स विशाल पर्वत ऑफ क्लाउड्स बादलों की यानी कि जो घने बादलों के विशाल पर्वत की तरह कुड बी सीन अप्रोचिंग पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे जैसे बारिश होने का समय होता है तो बादल छा जाता है तो वो पर्वत की भांति दिखाई देता है उसी तरीके से वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना प्रारंभ हो गई और उत्तर पूर्व की ओर से विशाल बादल के घने पर्वत की तरह पहुंचते हुए दिखाई देने लगे द एयर वाज द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट ताजी ताजी और मीठी मीठी सुंदर सुंदर हवाएं बह रही थी यानी जो हवाएं चल रही थी वह एकदम तरोताजा हवाएं सुंदर सुंदर हवाएं चल रही थी द मैन वेंट आउट वह आदमी बाहर गया फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिजवाडी बल्कि वह अपने शरीर पर उस बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए करें जब ऐसा हो रहा था यानी कि हवाएं चलने लगी वर्षा की बूंदें पड़ने लगीं तो आदमी था यानी लेंचो वह किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया बल्कि उस वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर उसका आनंद लेने के लिए वह बाहर चला गया एंड और व्हेन ही रिटर्नड और जब वह वहां से वापस आता है तो ही एक्सलाइम्ड जब वह वहां से वापस आता है तो ही एक्सलाइम्ड वह बताता है क्या कहता है कि दीज आर रेन रेनड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदे नहीं है रेनड्रॉप माने बारिश की बूंदे कर दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदे नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं वह बताता लेंचो कहता है कि ये जो आकाश से गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदे नहीं है दे आर न्यू कॉइंस ये नए सिक्के हैं बिग ड्रॉप बूंदे हैं वर्षा की आर टेन सेंट ये दस के सिक्के हैं एंड और द लिटल वंस और जो बूदे छोटी वाली हैं वो आर फाइव ये पांच के सिक्के हैं यानी कि लिंचो बता रहा है कि जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूदे गिर रही हैं ये सब दस के सिक्के हैं और जबकि जो छोटी बूदे हैं यह पाँच पाँच के सिक्के गिर रहे हैं यह बारिश के बूदे नहीं हैं वह है, मतलब एक बात बता रहा है मतलब इतनी खुशहाली उसके अंदर आ रही है जैसे अपने यहाँ कभी कभार सूखा पड़ता है तो जब अचानक बारिश हो जाती है तो हम लोगों को ऐसा एहसास होता है ना कहते हैं कि ये साक्षात अन्न की बारिश हो, हो रही है अन्न की बारिश हो रही है ठीक उसी प्रकार लंचो बता रहा है एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को विथ ए सटिस्फाई एक्सप्रेशन एक संतुष्ट हाव भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कारन वह पके हुए फसलों की ओर ध्यान देता है यानी जो पके हुए फसल के खेत हैं उसके ओर वह ध्यान देता है विथ इट्स फ्लावर और उस फसल के फूलों की ओर ध्यान देता है ड्राइव्ड इन तक इन द करटन ऑफ रेन जो बारिश की चादर में लपेटे हुए प्रतीत हो रहे हैं यानी कि बताया, बताया जा रहा है कि लेंचो जब बाहर से बारिश का आनंद लेकर के आता है तो वही विथ ए सटिस्फाइड एक्सप्रेशन वह एक संतुष्ट हाव भाव के साथ ही रिगार्डेड वह ध्यान देता है द फील्ड ऑफ राइप कान विथ इट्स फ्लावर यानी वो जो पके हुए फसल हैं उनके फूल जो लगे हुए हैं उसकी ओर ध्यान देता है और ड्रेड इन दर्टेन ऑफ रेन जो बताता है कि जो फसल बारिश की मानो जैसे चादर में लिपटे हुए हैं बट लेकिन सडनली अचानक ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो अचानक एक मजबूत यानी कि तेजी से हवा बहना प्रारंभ हो जाती है ब्लो माने बहना और विंड माने हवा अचानक एक तेजी से हवा बहना प्रारंभ हो जाती है एंड और एलॉन्ग विथ द रेन एलोंग माने के या के साथ साथ एंड और एलॉन्ग के साथ साथ बारिश के साथ साथ वेरी, वेरी, लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने प्रारंभ हो जाते हैं वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जिसको ओला कहते हैं वह गिरना प्रारंभ हो जाता है दीज ट्रुवली डिड रिसेंबल्स न्यू सिल्वर प्वाइंस अब ये सचमुच नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे रिसेंबल वाले प्रतीत होना अब तो ये अभी तो मान लीजिए वो कह रहा है कि बड़ी बूदे दस के सिक्के हैं छोटी बूदे पांच के सिक्के हैं लेकिन जैसे ही बारफ बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं अब वो बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे वही बता रहे कि अब तो ये सचमुच के ऐसा लग रहा था जैसे कि यह चांदी के सिक्के गिर रहे हो ऐसा प्रतीत हो रहा था द बॉयज जो लड़के थे एक्सपोजिंग खुला छोड़ देते हैं दम सेल्बस अपने आप को टू द रेन बारिश में यानी जो लड़के थे वे अपने आप को बारिश में खुला छोड़ देते हैं अर्थात कहने का मतलब वो लोग बारिश में भीगने लगते हैं राइन आउट यानी बरसा में बारिश में बाहर जाते हैं कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स उस बर्फ के टुकड़े को इकट्ठा करने लगते हैं जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं उस बर्फ के टुकड़े को वह गेदर करने लग रहे हैं कलेक्ट कर रहे हैं इकट्ठा कर रहे हैं इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ अब यह सचमुच बहुत बुरा हो रहा है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ अब यह सचमुच बहुत बुरा हो रहा है इक्सलैंड द मैन उस आदमी ने कहा किस आदमी ने लेंचो ने लेंचो ने कहा यानी अभी तो बारिश हो रही थी तो लंचो बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उस समय उनके फसलों को जो है सिर्फ बारिश की आवश्यकता थी लेकिन बारिश के साथ साथ शीघ्र ही हवा तेज चलने लगी और बर्फ़ के टुकड़े भी पड़ने लगे अब आप ही कल्पना करो अगर बर्फ़ के टुकड़े पके हुए फसलों पर गिरेंगे तो क्या स्थिति होगी तो वही कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ अब तो सचमुच बहुत बुरा हो रहा है इक्सलैंड द मैन उस आदमी ने ऐसा कहा लेंचो ने कहा फिर कर रहा आई होप मन ही मन कर रहा आई होप मैं आशा करता हूं इट पासिस क्विकली यह शीघ्र ही गुजर जाएगा क्योंकि माने शीघ्र ही पासिस माने टल जाएगा या गुजर जाएगा यानी लेंचो अपने मन ही मन कह रहा है कि मैं आशा करता हूं कि यह जो हवा का झोंका है और यह जो ओले गिर रहे हैं यह शीघ्र ही बंद हो जाएंगे इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन यह जल्द ही बंद नहीं हुई यानी बर्फ के टुकड़े जो गिर रहे थे वह बंद नहीं हुए फॉर एन आवर एक घंटों तक द हेल रैंड ऑन द हाउस वे बर्फ के टुकड़े रैंड बरसते रहे ऑन द हाउस घरों पर यानी एक घंटे तक घरों पर बर्फ के टुकड़े गिरते रहे द गार्डन बगीचों पर बर्फ के टुकड़े गिरते रहे द हिल साइड पहाड़ी की ओर बर्फ के टुकड़े गिरते रहे द कॉर्न फील्ड और पके हुए फसल के जो खेत थे वहां पर बर्फ के टुकड़े गिरते रहे ऑन द होल वैली होल माने संपूर्ण और पूरी घाटी पर बर्फ के टुकड़े गिरते रहे अर्थात कहने का मतलब है कि लेंचो ने यह उम्मीद किया आशा व्यक्त किया कि यह ओले जो गिर रहे हैं जल्द ही गुजर जाएंगे लेकिन एक घंटे तक ये ओले घर पे बगीचों पर पहाड़ की ओर पके हुए फसलों में यानी संपूर्ण घाटी पर यह तूफान यह ओले गिरते रहे बर्फ के टुकड़े गिरते रहे द फील्ड वाज वाइट पूरा खेत सफेद हो गया एज इफ कवर्ड विद साल्ड मानो जैसे नमक से ढक गया हो यानी कि इतनी बर्फबारी हुई एक घंटे तक कि पूरा घर पूरा गार्डन पूरे खेत सब कुछ ऐसे सफेद सफेद दिखाई देने लगे जैसे लगा हो कि नमक से है पूरा ढका हुआ हो नाट लीफ एक पत्ती तक नहीं रिमाइंड बची ऑन द ट्रीज पेड़ों पर यानी कि पेड़ों पर एक पत्तियां तक भी नहीं बची यानी कि जितने पेड़ों पर पौधों पर जितनी पत्तियां थी टोटली सब गिर गई द कार्नवाज टोटली डिस्ट्रॉयड फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई जो भी फसल थे खेतों में सब पूर्ण रूप से नष्ट हो गई द फ्लावर्स वर गॉन जो पुष्प थे वह सब गिर गए थे फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से यानी पौधों पे जो पुष्प भी लगे थे सारे पुष्प भी नीचे गिर गए बर्फ के उस झोंके से लेंचो सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस लेंचो सॉल लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड भर गई विद सैडनेस दुख से यानी कि अब लेंचो पूरी तरीके से दुखी हो गया व्हेन जब द स्टॉर्म हैड पास्ड जब वह तूफान गुजर गई अर्थात जब तूफान बंद हो गई ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड स्टूड माने खड़ा होना वह He stood in the middle of the field. वह खेतों के मध्य में खड़ा हुआ लिंचो जाकर के खेत के बीच में खड़ा हो गया एंड और साइड टू हिज सन और अपने पुत्रों से कहा और अपने बेटों से कहा यानी जब आधी तूफान गुजर गया तो लिंचो खेत के मध्य में गया और अपने बेटों से कहता है क्या कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लिफ्ट मोर देन दिस ए प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी कि टिड्डी के दल में जो हमला होता है नहीं जब जैसे किसी भी पेड़ पर टिड्डियों का दल हमला कर दें तो वही बता रहा है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डियों के जो दल हों उनके हमले करने से भी वुड हैिप्ड मोर देन दिस इससे अधिक हमारे पास बचा होता अर्थात लिंचो के कहने का तात्पर्य अगर टिड्डियों के दल नहीं हमारे फसलों पर हमला किया होता तब भी इससे ज़्यादा बहुत कुछ हमारे पास बचा होता खाने पीने को जैसे कहा जाता है घर में चोरी हो जाए तो कुछ बच जाता है परंतु अगर घर में आग लग जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार लेंचो भी कल्पना करके अपने बच्चों से कह रहा है कि एक टिड्डी के झुंड भी अगर हमला किए होते तब भी इससे अधिक हमारे पास कुछ न कुछ तो जरूर बचा होता हेल हैज लिप्ट नथिंग अब तो पहाड़ी के पास कुछ भी नहीं बचा है दिस ईयर इस वर्ष वी विल हैव नो कार्न हम लोगों के पास कोई भी फसल नहीं बचा वाज ए सारो फुल वन वह रात सभी लोगों के लिए बहुत ही दुखपूर्ण थी विस्मयपूर्ण थी कौन सी रात जिस रात जिस दिन को तूफान आया था वह रात सभी के लिए बहुत ही दुखपूर्ण था ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग सारे लोग लें का रहे हैं सारे लोग मिल कर रहे ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग हमारे सभी किए धरे का कुछ भी परिणाम नहीं मिला यानी हमने इतना किया इसका कोई परिणाम नहीं मिला और कोई है भी नहीं who can help us, जो हमारी मदद कर सकता है Will all go hungry this year. हम सारे लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे हंग्री मतलब तो भूखा हम सारे लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे बट लेकिन इन द हर्ट्स ऑफ ऑल लेकिन उन सभी के हृदय में किनके हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली हु लिव्ड जो रहते थे सॉलिटरी अकेले घर में इन द मिडिल ऑफ द वैली उस घाटी के मध्य में यानी वे सारे लोग जो घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रह रहे थे उन लोगों के हृदय में अब भी एक उम्मीद थी देयर वाज अ सिंगल होप वह अकेली उम्मीद क्या थी एक अकेली आशा क्या थी हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान की मदद यानी उन लोगों के दिल में अभी भी एक आशा एक आशा की किरण जग रही थी कि चलो भगवान हो सकता है हमारी मदद करेगा डोंट बी सो कि परेशान मत हो चिंतित ना हो इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस यद्यपि भले ही ऐसा प्रतीत हो रहा है सब कुछ नष्ट हो गया है रिमेंबर लेकिन ध्यान दो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर नो वन डाइज कोई भी नहीं मरता आप हंगर भूख से यानी लेंचो और उनके परिवार वालों ने के अंदर अभी एक उम्मीद जगी है एक उम्मीद बची है कि ध्यान रहे कि भले ही हम लोगों की सारी चीज़ें नष्ट हो गई हम लोग बर्बाद हो गए हैं लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति कभी भूख से मरता नहीं है दैट्स वाट दे से ऐसा ही सभी लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भी व्यक्ति कभी भूख से नहीं मरता है आलथ्रो द नाइट पूरी रात लेंचो, थाट, लेंचो सोचता रहा वन ऑफ हिज वन होप अपनी एक उम्मीद के बारे में पूरी रात लेंचो अपने एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा द हेल्प ऑफ गॉड भगवान की सहायता यानी उसकी जो उम्मीद थी क्या थी भगवान की सहायता यानी भगवान से उसे कोई सहायता मिली आइज जिसकी आँखें एज ही हैड बीन एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसे सुझावित किया गया था कि उसकी आँखें सीवरी थिंग सब कुछ देख रही थी वाट इवेन यहाँ तक कि इज डीप इन वंस कंसाइंस उसके अंदर की अंतर आत्मा को भी देख रही थी उसकी आँखें और वह अपने उसी उम्मीद के बारे में पूरी रात सोच रहा था कौन सी उम्मीद जो भगवान की मदद लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन लेंचो एक बैलों की तरह आदमी था अर्थात हम कह सकते हैं कि वह बैलों की तरह काम करने वाला आदमी था वर्किंग लाइक एन एनिमल इन, इन, इन द फील्ड जो जानवरों की भाती खेतों में काम करता रहता था बट लेकिन स्टिल फिर भी ही न्यू वह जानता था हाउ टू राइट लिखना यानी वह पूरी रात एक बैलों की तरह सॉरी बैलों की तरह अर्थात जानवरों की तरह पूरी पूरे दिन खेतों में कार्य करता रहता था फिर भी थोड़ा बहुत उसे लिखना आता था द फॉलोइंग संडे अगले रविवार एट डे ब्रेक डे ब्रेक मतलब भोर के समय भोर के समय ही बिगैन टू राइट लेटर वह पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया विच जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी स्वयं ले कर के गया टू टाउन कस्बे में एंड प्लेस इन द मिल और डाक पेटी में डाल दिया यानी अगले दिन क्या हुआ कि वह पत्र को लिखा और लिखने के बाद वह स्वयं उसे उसी गांव के कस्बे में लेके गया और पत्र पेटिका में उस पत्र को डाल दिया इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड यह भगवान के पत्र की अपेक्षा कुछ भी नहीं था गॉड लिखा था गॉड ईश्वर इफ यू डोंट हेल्प मी यानी ही रोट गॉड व लिखा था भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली मेरा परिवार एंड आई और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर इस वर्ष भूखे रह जाएंगी वह बोला था उस पत्र में लिखा था कि भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस वर्ष मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा ही रह जाएगा आई नीड अ हंड्रेड पेस मुझे सौ पैसों की आवश्यकता पेस माने पैसा मुझे सौ पैसों की आवश्यकता है नीड माने आवश्यकता इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन इस क्रम में कि मैं अपने खेत को पुनः सो माने बोना पुनः बो सकूं एंड और टू लिव और जीवित रह सकूं अनटिल तब तक जब तक कि द क्रॉप कम्स जब तक फसल फिर से नहीं उग आती हैं उसने भगवान को पत्र लिखा कि भगवान यदि मेरी मदद आप नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही मर जाएंगे मुझे सौ पैसों की आवश्यकता है अगर इस क्रम में आप मुझे सौ पैसे भेज देते हैं तो मैं अपने खेत को भी पुनः बो सकता हूं और जब तक फसल मेरे पुनः पैदावार नहीं हो जाती तब तक हम लोग जीवित भी रह सकते हैं विकास क्योंकि द हेल स्टार में क्योंकि ओले पड़ने से डाट डाट का मतलब आगे की कहानी क्योंकि ओले पड़ने से मेरे सारे फसल नष्ट हो गए ही रोट टू गॉड वह भगवान को लिखा था ऑन द इनवेलप लिफाफे के ऊपर व लिफाफे के ऊपर टू गॉड करके लिखा जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो टू लिखते हैं फिर उसका पूरा पता एड्रेस नाम सब कुछ लिखते हैं उसी प्रकार वह इनवेलप माने लिफाफा वह लिफाफे के ऊपर लिखा था टू गॉड और पुट द लेटर इन साइड और उसी लिफाफे के अंदर पत्र को डाल दिया था एंड और स्टिल ट्रबल्ड और थोड़ा सा परेशान होकर वेंट टू टाउन वह कस्बे की ओर चला गया पोस्ट ऑफिस जहां पर पोस्ट ऑफिस था यानी कि डाकघर जहां पर था he placed stamp, वह एक मुहर चिपकाया जिसको टिकट कहते हैं ऑन द लेटर उस पत्र पर एंड ड्रॉप्ड इन इन टू द मेल बॉक्स और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया छोड़ दिया यानी वह पत्र के ऊपर एक जो टिकट मिलता है ना उस टिकट को जिसको इस टाइम बोलते हैं उसको चिपकाता है इसके बाद जो पत्र पेटिका होती है उसमें उस पत्र को डाल देता है इंप्लाइज उसमें से एक कार्यकर्ता यानी जो डाक का एक कार्यकर्ता ए पोस्टमैन जो डाकिया था एंड और आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस और जो डाक खाने की सहायता किया करता था यानी पोस्ट ऑफिस का एक सहायक भी था वेंट टू हिज बॉस वह अपने मालिक के पास जाता है यानी कि डाक खाना में डाक घर में जो उसका मालिक रहता है उसके पास जाता है वह डाकिया और लाफिंग हर्टली और खूब जोर जोर से हंसने लगता है एंड और सोड सोड माने दिखाना और दिखाता है हिम द लेटर टू गाड और अपने बॉस को भगवान को लिखा गया पत्र दिखाता है यानी वह पत्र को जो ही पाता है वह पत्र को लेकर के अपने मालिक के पास डाकिया लेकर के जाता है और खूब दिल खोल करके हंसता है और हंसते हुए उस पत्र को जो है अपने मालिक को बॉस को दिखाता है नेवर इन हिज करियर उनके पूरे भविष्य में एज ए पोस्टमैन यानी जब से वह डाकिया थे यानी जब से वह पोस्टमैन थे उनके पूरे भविष्य में हैड ही नोन दैट एड्रेस कोई भी व्यक्ति ऐसा पता नहीं जानता था यानी भगवान का कोई पता नहीं जानता था द पोस्ट मास्टर जो डाकिया था यानी डाक मालिक जो था ए फेट आई मेबल फेलो एक, एक मैत्रीपूर्ण था यानी एक बहुत ही बड़ा मैत्रीपूर्ण था आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वह भी खूब जोर जोर से हंसने लगा बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली लेकिन शीघ्र ही टर्नड सीरियस बहुत वह बहुत गंभीर हो गया यानी एक बार तो वही पत्र को देखकर जोर जोर से हंसा लेकिन अचानक ही वह गंभीर स्थिति में आ गया एंड टाइपिंग द लेटर टाइपिंग माने थपथपाना और वह पत्र को थपथपाने लगा ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क पर यानी चेयर और डेस्क दे, होता है ना तो अपने डेस्क पर वह पत्र को थपथपाने लगा थपथपाया और कमेंटेड और टिप्पणी किया वह जो बॉस था वह टिप्पणी किया कि वॉट तो फेथ कितना बड़ा विश्वास आई विश काश आई हैड द फेफ द माइन काश इस आदमी की तरह मेरे पास भी विश्वास होता who wrote this letter, जिसने पत्र लिखा। यानी वह कहा काश जिसने यह पत्र लिखा इस आदमी की बात मेरे भी अंदर कोई विश्वास होता स्टार्टिंग अप है करेस्पोंडेंस विथ गॉड कि जो भगवान के साथ व्यापार करने के लिए तैयार है यानी करिस्पॉन्डेंस विथ द गॉड वही बता रहा कि काश मेरे पास भी इतना अटूट विश्वास रहा होता कि जो भगवान के साथ पत्राचार करने के लिए तैयार हो गया सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड इसी प्रकार उस लेखक का भगवान के प्रति अटूट विश्वास देखकर द पोस्टमास्टर केम अप मिथ एन आइडिया उस डाक मालिक के विचार दिमाग में एक आइडिया आया विचार आया आंसर द लेटर यानी उस पत्र का जवाब देने का यानी भगवान के प्रति इतना टूट विश्वास को देखते के दे, दे, देखने के पश्चात वह जो बॉस था बॉस के अंदर एक विचार आया कि इसके पत्र का जवाब दिया जाए बट लेकिन वेन ही ओपन डेट लेकिन जब जैसे ही वह पत्र को खोलता है कौन बॉस जैसे बॉस पत्र को खोलता है इट वॉज इविडेंट इसमें स्पष्ट था इविडेंट माने स्पष्ट था कि दैट की टू एंशर इट इसका उत्तर देने के लिए यानी प्रश्न पत्र का जवाब देने के लिए यानी जैसे वो पत्र को ओपन करता है तो उसमें स्पष्ट दिया गया था कि इसका पत्र इसका जवाब देने के लिए इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल एक अच्छी इच्छाओं के अलावा भी और किसी चीज़ों की आवश्यकता है यानी जैसे पत्र को ओपन करता है बॉस तो उसमें यह स्पष्ट लिखा गया रहता है यानी उसमें याद दिया रहता है कि इस पत्र का जवाब देने के लिए केवल एक अच्छे इच्छा की जरूरत नहीं है एक इंक स्याही की जरूरत नहीं है पेपर कागज की जरूरत नहीं बल्कि और भी किसी चीज़ों की ज़रूरत है इस पत्र का जवाब देने के लिए बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन लेकिन वह अपने प्रस्ताव को निश्चित कर लिया बॉस ने अपने प्रस्ताव को निश्चित कर लिया ही आस्केड रिजोल्यूशन माने प्रस्ताव होता है निश्चय होता है ही आस्केड फॉर मनी फ्रॉम हिज इम्प्लाईज वह अपने कार्यकर्ताओं से पैसे के लिए कहने लगा बॉस बॉस ने जितने डाक में जितने कार्यकर्ता थे सारे कार्यकर्ताओं को वह पैसे के लिए कहा यानी सारे लोगों से कहा कि सारे लोग पैसे का व्यवस्था करिए ही पार्ट ऑफ ही हिमसेल्फ वह स्वयं गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने सैलरी का अपने तनख्वाह का भाग दिया एंड और सेवरल फ्रेंड्स अनेकों मित्र उसके अनेकों मित्र आप yeah, हिज वर अबलाइग्ड वो लोग भी कृतज्ञ रूप से टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी इस पुण्य का कार्य करने के लिए तैयार हो गए चैरिटी माने पुण्य या उदारता होता है एक्ट माने कार्य यानी कि अब्लाइड माने कृतज्ञ होना उस जो बॉस था डाक का जो बॉस था मालिक था वह अपने सभी इम्प्लायों को कहा कि सारे लोग पैसे की व्यवस्था कीजिए और वह भी स्वयं अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया और सारे उसके मित्र भी इस पुण्य के काम में सहभागिता किए इट वॉज इम्पॉसिबल यह असंभव था फॉर हिम उसके लिए टुगेदर इकट्ठा करना टूगेदर द हंड्रेड पीसेस एक साथ सौ पैसे यानी इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम यानी उन लोगों के लिए असंभव था क्या असंभव था एक साथ सौ पैसे इकट्ठा करना जो ढाक वाले थे सारे लोग उन लोगों के लिए एक साथ सौ पैसे इकट्ठा करना असंभव था सो so, इसीलिए ही वाज एबल टू सेंड इसीलिए केवल योग्य थे टू सेंड भेजने की द फार्मर किसान को इसीलिए वे किसान को सिर्फ क्या भेजने के योग्य थे ओनली ए लिटल मोर देन हाफ आधा से कुछ ज्यादा यानी वो लोग सौ पैसा एक साथ इकट्ठा करने में समर्थ थे इसीलिए वे आधे से कुछ ज्यादा ही पैसे भेजने के योग्य थे ही पुट द मनी इन इनवलप वह पैसे को लिफाफे में रखा कौन बॉस एड्रेस टू द लेंचो और उसमें लेंचो का पता लिख दिया एंड और विथ देम और उसी के साथ ए लेटर कंटेनिंग उसी के साथ उस पत्र में संलग्न किया क्या संलग्न किया वनली ए सिंगल वर्ड एक मात्र शब्द एज ए सिग्नेचर गॉड भगवान के हस्ताक्षर के रूप में यानी जो पैसा था वो आधे से कुछ ज्यादा जो पैसा था उस पैसे को बॉस ने उस पत्र के अंदर डाल दिया और डालने के पश्चात उसमें सिर्फ एक शब्द को लिखा था हस्ताक्षर के रूप में गॉड द फॉलोइंग संडे अगले रविवार लेंचो केम अबी टर्यर दुअल लेंचो रोज की भांति थोड़ा